मर्सीफुल। तमाम तारीफें अल्लाह ताला की तरफ से है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप लोग कैसे हैं सब? ठीक है, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि आप लोग अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के अंदर दिखने से, जॉब के अंदर खामियां हैं और जो आपको आगे कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हो, क्या कैरियर आप बना सकते हो। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्टिविटी और ये वर्कशॉप रखी गई है। इसमें आपने सीखना है, एंड तक आपने बैठ के सुननी है सारी बातें, और जहाँ पे आपको बात समझ में आती है टीचर की, टीचर को अप्रिशिएट करते हुए क्या करनी है भाई, एक बार क्लैपिंग हो जाए जोर से। थैंक यू। जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, सूरज की रोशनी जब आती है जमीन के ऊपर, अब हमारे सबके ऊपर आती है, अब जिसकी मर्जी है वो सूरज की रोशनी से बच जाए, हवा में आ जाए, और जिसकी मर्जी है वो धूप में आ जाए। इसका फैसला किसने करना है? आप लोगों ने। इस तरीके से अगर आपके रास्ते में अगर पत्थर पड़े हो, क्या पड़े हो, ठीक है, अब आप उसको रास्ते का पत्थर बना लें और बोले मैं रास्ते में पत्थर पड़ेगा मैं क्या करूं, वहीं बैठ जाऊं, ठीक है। या तो आप उस रास्ते से क्या बनाओ, उस पत्थर से रास्ता बनाओ। बस समझा रही अकाउंट टू यू चेंजिंग लेना लेके आनी रास्ते से, किस तरीके आनी है आपने, कोई आपके अंदर चेंजिंग लेके नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, आई एम इंजीनियर करुण तालीम और नॉलेज इंस्टीट्यूट का मैं ऑनर हूँ, और हमारे इन्वाइटेड पे ये सब सर हमारे पास आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं, ठीक है। वर्कशॉप करवाई हम लोगों ने, बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की हुई टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल एक फील्ड होती है जिसमें फैब्रिक बनता है, टाइम होती है, प्रोसेसिंग होती है, और बहुत बड़ी फील्ड है। 70% जो हमारा रेवेन्यू मिलता है वो किससे मिलता है? टेक्सटाइल फील्ड से। पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है किससे मिलता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता है, ठीक है। बस इसके अलावा मैं टोटली में टीचिंग फील्ड में गया हूँ, एस एम ग्रामर स्कूल से मुझे ऑफर हुई है रिसेंटली, वहाँ पर ज्वाइन करूँगा। इसके अलावा एसी स्कूल में हूँ मैं, सब जानते हैं न्यू डेजी स्कूल में होता हूँ मैं, और इसके अलावा ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम लोग कोर्सेज करवाते हैं कंप्यूटर के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, और अकेडमिक के हवाले से, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बी कॉम तक के हमारे पास क्लासेज हैं अलमगुरी, ठीक है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करता हूँ। मैंने दे दिया आपको अपना, अपने हवाले से मैंने बातें बताई हैं, वो आपको याद रखनी है। अब मेरा आपसे सवाल है, वट इज योर लाइफ ऑब्जेक्टिव, आपकी जो लाइफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने अपना एक मकसद बनाया होगा जिंदगी का, पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं सब लोग, पढ़ाई के बाद आपने आगे क्या करना है? वट इज योर लाइफ ऑब्जेक्टिव, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? जिससे पूछूंगा, जिससे बताना है वो हैंड रेस्ट के बताए, क्या मकसद आप ये बताओ कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्लैपिंग कर दें। और कोई ऐसा है जो दूल्हा बनना चाहता है? आप बताएं, तुम्हें डर लग रहा है, आप बताएं। वामिक आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? स्टैंड अप, फौजी बनने चाह रहे हैं, माशाल्लाह, क्लैपिंग कर दें। पाकिस्तान, गुड। तो मैंने सबसे ऑब्जेक्टिव पूछा आपके लाइफ के हवाले से, आगे आगे क्या बनना है, ठीक है, पाकिस्तान में बनना है, बस आपने क्या बनना है? यहाँ पर सेंटर में आपका नाम क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, क्या है? टैलेंट बहुत है, टीचर अच्छे मौजूद है, समझाने वाले सब मौजूद है, बनना आपने, कोशिश आपने करनी है, शाबाश। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं इस बारे में, इस वर्कशॉप के हवाले से आप क्या जानते हैं? ये वर्कशॉप आपने सर आसिम की भी ली, सर आसिम के बाद सर नसीम आए, सर नसीम के बाद मैं आया हूँ, आपने अब तक के क्या जाना इस वर्कशॉप के हवाले से, आप बताएं, इजहान आपने क्या जाना इस वर्कशॉप के हवाले से? जो कुछ पता नहीं थी नॉलेज मिली उनको, शाबाश, और बस नॉलेज मिली, नॉलेज हासिल करने के लिए अगर आपको चीन में जाना पड़ जाए, कहाँ पे? चीन। क्या है? हदीस है, हदीस में क्या है कि अगर आपको नॉलेज हासिल करने के लिए कहाँ जाना पड़ जाए? चीन। चाचू पू, ठीक है, चाइना। अगर आपने वहाँ जाना पड़ जाए तो जाओ, इल्म हासिल करके आओ, अच्छे इंसान बन के आओ,
ठीक है, सही है, वहीं जाके शादी करने लेना, वहीं जाके रुक नहीं जाना, पाकिस्तान वापस आना है, कम टाइम, ठीक है। तो क्लैपिंग करते ईशान के लिए, ईशान ने यहाँ पे आपको अब एक वीडियो दिखाई जाएगी, ठीक है, उस वीडियो को आपने सही तरह से बिल्कुल कंसंट्रेशन कर, इसको नजर नहीं आ रहा, आप अपने चेंज कर दें, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, डिस्टर्ब किए बगैर अपने आप को चेंज कर दें। कहाँ जाओ, इस साइड से जाओ, सनी साइड। माउंटेन ड्यू हमें अपनी जान को बचाना चाहिए, किसी को तकलीफ देना चाहिए नहीं, ये दोनों सीखा नहीं, आप बताएं। मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है, मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है। गुलाम नबी आप बताएं, पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सीख फटा सीखा पिक लिया, हाँ सर आप बताएं। खुद आगे आने के लिए पीछे दूसरों को पीछे खींच रहे अच्छा बहुत से आंसर आए लेकिन तसल्ली बस आंसर नहीं आया, आपका आखिरी आंसर जल्दी से आखिरी सांस का हिम्मत नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे के आगे भागते जाना है, ये तुम्हारा मकसद है क्या? अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ इसका मकसद क्या है वीडियो का। इस वीडियो में आपने देखा होगा शेर लॉइन, लॉइन क्या है, व्हाट इज लॉइन, तो है जंगल का क्या है, बादशाह बादशाह होता है ना भाई, चूहा चूहा होता है, छुप जाता है दिल के अंदर, बादशाह क्या होता है, बादशाह। तो बादशाह ने क्या किया, एक टारगेट अचीव किया, ठीक है। आप देखते हैं साइड में आपको भेड़िए नजर आए, भेड़िए नजर आए और दूसरी चीजें नजर आई आपको जानवर, लेकिन लेकिन जो उसका टारगेट था शेर का, शेर क्या था टारगेट था, जहाँ साइड में लोग आए साइड में से वो चाहता यहाँ से इनको पिक कर लेता,
भाई शेर की खुराक क्या है? जानवर शेर क्या खाते हैं? गोश्त खाते नहीं खाते। अब उसने क्या किया? अपना टारगेट अचीव किया। अपना टारगेट क्या किया? अचीव किया। और आखिरी दम तक कि उसने दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि उसने अपना टारगेट क्या कर लिया? गेट कर लिया। ऐसे ये ना बोले तो आपके रास्ते में आपको बहुत से लोग रोकेंगे, ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, ये नहीं बनो, वो नहीं बनो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन आपने सोचना है क्या आपका टारगेट है, उस टारगेट को क्या करना है, आपने अचीव करना है। और उस अचीव करने के लिए जो भी रास्ते में आपकी रुकावट आए उसको देखना नहीं है आपने, आपने अपना टारगेट अचीव करना है। ओके मिस महमूद, आपकी हेल्प चाहूंगी। आप लोगों के लिए हमें एक एक्टिविटी बनाई है ताकि आप लोग एक्टिव नजर आए, एक्टिव स्टूडेंट में अच्छा लगते हैं। और जो सो रहे नींद में ख्वाबों में कितना जिसको सोच रहे वो मुझे अच्छे लगते नहीं है। हमें चाहिए एक्टिव स्टूडेंट। आप एक्टिव है? एक्टिव है सब लोग? बस आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैं राइट बोलूंगा, आपने राइट हैंड ऊपर करना है, और मैं बोलता हूँ लेफ्ट तो आपने लेफ्ट करना है, और मैं बोलूँ बोल दोनों ऊपर करना है। भैया खुद उठ लीजिए, थोड़ा मुझे ठीक है भाषण में आ रही है। राइट में राइट हाथ, लेफ्ट में ये एक्टिविटी आपको एक्सेप्ट करने के लिए दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी और दी जाएगी आपको, ठीक है। स्टार्ट, रेडी है आप लोग? लेफ्ट सोचना नहीं है, राइट फोर्थ लेफ्ट। अभी भी बहुत से यूं करके यूं किया, ऐसे ऐसे नहीं करो बेटा, ये कुछ दिन का मकान बोलने वाला, ठीक है। हाँ डाउन कर दे, लेफ्ट मिस वॉच कर रहे आप, राइट लेफ्ट लेफ्ट कर रहा है एक तो इसी एक को, ठीक है। आपको लेफ्ट नजर आ रही है बहुत सारी, किसी एक को आपने हटाना है और कहीं लगाना है, और इसी पर टू क्या चाहिए आंसर वो आना चाहिए, जो कर ले वो हैंड जस्ट करे। स्टिक लगानी भी है, स्टिक तो मैं लगाऊंगा स्कूल में, लगानी है इसको, हटा देंगे लगाना है, समझ में आएगा बस कहीं भी लगाओ, आंसर क्या चाहिए इसी पर टू के बाद आंसर क्या चाहिए। आपने स्टिक को हटाकर किसी गुठलिया पे लगाकर आंसर फोर लेके आना है। अरे भाई किसान स्टिक करने आ रही, वन टू थ्री, कोई स्टिक एक हटा दिया आपको, जो आप यार साइड में उनका नाम नोट करना है, हेलो ठीक है। आप बताएंगे आप बताएंगे जब जल्दी से मुझे बताएंगे किसी को सर्टिफिकेट मिला, दो अच्छे परफॉर्मेंस बताएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा सेंटर की तरफ से। जी इसका आंसर सिर्फ उदयपा ने दिया है, उदयपा के लिए क्लैपिंग हो जाए। उदयपा ने बोला कि ये कुछ सिखाना आ रही सबको, आ रही है ये बीच में नजर आ रही है, फिर इसको उठा के यहाँ लगा दे तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको हटा के यहाँ लगाऊंगा तो क्या बनेगा? जीरो प्लस फोर, जीरो प्लस फोर क्या आता है? मैथ सीखे हुए उनको पता है कि जीरो प्लस फोर क्या आता है, फोर। फिर स्नैपिंग कर दी उनके लिए, सबके लिए। Thank you.
बेटा पाँव अंदर करो एक तसल्ली देनी है कि हमारा हार दिख गए तो क्या हुआ। अगर हमने कोशिश तो की ना, आपने किसी ने 9-3 कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, मैथ तो पता नहीं मौत बना दिया आपको, ठीक है, लेकिन आपने एफर्ट्स की नहीं, एफर्ट्स की आप लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। आपका जिसपे बिलीव होता है, किसपे आपका जिसपे यकीन होता है, ठीक है, वही आपके लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। इंसान को बिलीव करना चाहिए, ठीक है, अपने दोस्तों पर, अपने माँ बाप पर, अपने टीचर्स पे बिलीव करना चाहिए कि हमारे टीचर जो है हमारे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारे कैरियर को बना रहे हैं और एक दिन हम लोग अच्छे मकाम पे पहुंच जाएंगे। किसकी वजह से? टीचर्स की बदौलत, ठीक है। टीचर्स को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी कैरियर को बिल्ड करना है, ठीक है। तो यू बिकम व्हाट यू बिलीव, आप वही करते हैं जिसमें आपको क्या होता है, बिलीव होता है। आंटी को हुआ बुखार, अंकल ने बेटा तस्वीर तो आ रही है ना, देखना आपने वीडियो को पूरी वॉच करनी है। तीन दिन से कह रही हूँ इस बात से इसका कुछ नहीं होने वाला, मेरे घर के लिए चलिए उसको जाने देते। मैंने भी आपको तीन दिन से कहना है दादी कि बाहर का खाना अलाउ नहीं, अपने घर का है। फोकस सामने देखो, फोकस Thank you.
गुड मॉर्निंग और उसको बिलीफ को पुख्ता रखना है, तब जाके क्या मिलेगी आपको, कामयाबी मिलेगी।